लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ लेटर टू गॉड की। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जियल फ्योन्स ने, उसकी समरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाए और आप प्रॉपर नोट्स भी बना सको। एंड ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप नोट्स बना सको और इनकी प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आ लेटर टू गॉड की एक्सप्लेनेशन को, समरी को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोज, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इसके कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस, यानी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में और कौन से प्लेसेस की बात हुई है। फर्स्टली लेट मी टेल यू, अ लेटर टू गॉड का मतलब क्या है? लेटर टू गॉड का मतलब क्या है? भगवान को लिखा गया कोई पत्र, है ना। नॉर्मली आपने देखा है, आप किसी फ्रेंड को पत्र लिखोगे, किसी पर्सन को लेटर लिखोगे, लेकिन गॉड को लेटर, मतलब ये तो कुछ अजीब सी बात हुई ना। तो गॉड को लेटर किसने और क्यों लिखा, वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्टली द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन के, वो देख लेते हैं। मेन, जो सबसे मेन कैरेक्टर है, वो है लैंचो। लैंचो कौन है? अ हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत ही मेहनती किसान है, जो रात दिन मेहनत करता है अपने खेतों पर अपनी जो है जीविका के लिए। नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर्स ऑफ लैंचो, ठीक है। तो लैंचो की फैमिली मेम्बर में कौन कौन है? लैंचो की वाइफ और उसके बेटे, ठीक है। उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है, लैंचो के और उसकी फैमिली के। बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है वो तो खैर लैंचो ही है। इसके अलावा अ लो हिल इन द वैली, तो ये है एक प्लेस, यानी इस प्लेस पर है लैंचो का घर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन कंसिडर हिम एज लैंचो। तो ये लैंचो है जो कि लेटर लिखता है और लेटर को फिर जो है पोस्ट करने जाता है। सो चलिए, क्योंकि लैंचो फार्मर है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है बारिश से उम्मीद है कि भी बारिश हो जाए और उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग विद डिटेल जाएंगे। पहली जो हेडिंग है हमारी, लैंचोज अ कीन वेट फॉर रेन, क्योंकि लैंचो एक फार्मर है तो उसे अपनी फसलों के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत है। उसने अपनी फसलों को बो दिया है और इसके बाद उसको ज़रूरत है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए। देखो, लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन अ लो हिल फ्रॉम वेयर ही कुड सी हिज क्रॉप्स एंड द फ्लोइंग रिवर। मतलब लैंचो जो था वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसका जो हाउस था, उसका जो घर था, वो एक लो हिल पर सिचुएटेड था, जहाँ से वो देख सकता था अपनी क्रॉप्स को, मतलब फसल को। मतलब लो हिल पर था उसका घर जो है, और वो नीचे जो उसकी फसल थी उसको वो देख सकता था, इतनी ऊंचाई पर उसका घर था, और इसके अलावा जो रिवर यानी नदी बह रही थी उसको भी वहाँ से देख सकता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट बट द लैंड needed a good downpour। मतलब देखो क्या था, उसको एक अच्छी फसल की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हाँ उसकी फसल अच्छी होगी, बट जो धरती थी, मतलब जो खेत थे, उनको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि किसानों की जो फसलें होती हैं वो बारिश के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड होती हैं। तो देखो, ये रहा लैंचो, और लैंचो बेचारा किस होप में है कि बारिश हो जाए, बारिश को लेकर के क्वेश्चन मार्क है उसके मन में कि काश बारिश हो जाए और मेरी जो फसलें हैं वो बढ़िया हो जाएं। लैंचो हैड बीन लुकिंग एट द स्काई सिंस मॉर्निंग, बाय डिनर टाइम ही टोल्ड हिज वाइफ दैट दे वर गोइंग टू गेट रेन। तो देखो, लैंचो सुबह से ही स्काई की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ बार बार देख रहा था कि काश बारिश हो जाए, और रात होते होते डिनर टाइम तक उसने अपनी वाइफ से बोला कि शायद हम लोगों को थोड़ी सी बारिश मिलने वाली है, शायद आसमान से बारिश होने वाली है। सो इस तरीके से लैंचो को होप था और लैंचो को वेट भी था कि बारिश हो जाए, सो दैट उसकी जो फसल है, उसकी जो हार्वेस्ट है, वो अच्छे से हो जाए। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, आप देख सकते हैं फॉलिंग ऑफ हेल स्टोन्स। अब बारिश की ज़रूरत तो थी लैंचो को, लेकिन बारिश के साथ साथ लैंचो को फेस करने पड़े ओले। तो ओले पड़ रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से लैंचो को क्या फेस करना पड़ा, लेट्स सी, वो हम यहाँ पर देखते हैं।
फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन्स ड्यूरिंग द मील देयर वर सडन हैवी रेन ड्रॉप्स। जैसे ही वो लोग रात के टाइम मतलब खाना खा रहे थे, सडनली एंचो को आवाज़ आई कि बाहर ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। द एयर वॉज कूल एंड प्लीजेंट, और बाहर की जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी और बड़ी सुहानी थी। ही वेंट आउटसाइड टू एन्जॉय द रेन फॉलिंग ऑन हिज बॉडी, ही फेल्ट हैप्पी एंड कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कि अभी एन्चो ने बारिश को क्या कहकर बुलाया। तो देखो, जैसे ही बारिश शुरू हुई, हवा ठंडी ठंडी बहनी शुरू हो गई, तो एन्चो बाहर गया और उसने गिरती हुई बारिश की बूंदों को अपने ऊपर फील किया, एन्जॉय किया। उसको बड़ी खुशी हुई और उसने उस बढ़ती हुई बारिश को देख करके कहा कि ये बारिश नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एन्चो एक फार्मर है जिसको अपनी फसल के लिए बारिश की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे ही बारिश पड़ती है वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उस बारिश को फील भी करता है और उसको देख कर बोलता है कि खाली बारिश नहीं है, ये तो नए नए सिक्के हैं जो हमारे ऊपर बरस रहे हैं। Soon his entire field was covered with rain. धीरे धीरे जितने भी उसका खेत थे मतलब वो सब बारिश से कवर हो गए। However, the rain suddenly turned into large hailstones and continued for an hour. लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये जो बारिश थी वो suddenly जो है वो बड़े बड़े ओलों में बदल गई। मतलब बारिश ने ओलों का रूप ले लिया, मोटे मोटे ओले होते हैं ना बर्फ वाले, वो गिरने लगे है ना आसमान से। आपने आई होप देखे होंगे अपनी लाइफ में छोटे या बड़े किसी भी टाइप के ओले जो होते हैं बारिश के साथ आ जाते हैं। अगर देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड हेल स्टोन का अपना एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, वैसे काफ़ी मज़ा आता है जब मतलब ओले वगैरह पड़ते हैं तो छोटे छोटे बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं जब अपने हाथों में उठाते हैं तो देखो इस तरीके से बारिश ने ना ओलों का रूप ले लिया और कंटिन्यू एक घंटे तक बारिश होती रही। द गार्डन हाउस हिल साइड एंड फील्ड वर हैविली कवर्ड इन हेल स्टोन्स यू नो रिजेंबलिंग सॉल्ट। मतलब लगातार घंटों तक बारिश पड़ी और पूरे गार्डन में, घर में, हिल साइड पे और जितना भी खेत था सब कुछ कवर हो गया और ओले जो थे ना वो इतना ज़्यादा पड़े कि ऐसा लग रहा था कि नमक की चादर बिछ गई हो चारों तरफ, सफ़ेद चादर है ना, सफ़ेद नमक की चादर ने पूरे खेतों को ढक दिया हो। ठीक है, द ट्रीज हैड नो लीव्स लेफ्ट एंड हिज कॉर्न यू नो क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जितने भी पेड़ों के ऊपर पत्ते थे वो भी नहीं बचे क्योंकि ओले इतने मोटे मोटे गिरे थे और इतना लगातार गिरे थे जिसकी वजह से जितने भी जो है नो पत्ते थे पेड़ों के ऊपर वो भी सब गिर गए। और इसके अलावा जो एन्चो की क्रॉप थी कॉर्न की यानी मकई की जो फसल थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एन्चो फेल्ट अ डीप सैडनेस एंड एक्सप्रेस दैट दे वुड ऑल फेस हंगर। अब ये देख करके एक मतलब एक ऐसा फार्मर जो बेचारा बारिश का इतना वेट कर रहा था, सडनली बारिश हुई लेकिन ओलों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ये फार्मर जो था एन्चो वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, इतना ज़्यादा सैडनेस से भर गया कि उसको लगा कि अब ये लोग जो है पूरे साल भूखे मरने वाले हैं बिकॉज उनकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी कम्प्लीटली। सो विद दिस एन्चो की जो एक उम्मीद थी बारिश को लेकर के, उस उम्मीद ने सभी चीज़ों पर फेर दिया पानी। ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप लोग और ये PPT मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब देखो जब एन्चो की फसल बर्बाद हो गई तो एन्चो की इकलौती कुछ उम्मीद थी जो बची थी और वो थी, वो हम देखते हैं कि क्या उम्मीद थी एन्चो को, है ना। तो एन्चोस ओनली होप, कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी भी हमारे मन में कोई ना कोई उम्मीद बाकी बच ही जाती है। एन्चो वॉज डीपली ट्रबल्ड एट हार्ट, मतलब एन्चो ये रहा बेचारा बड़ा सैड सा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी था, दिल से दुखी था कि अब मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भूखा मरने वाला है। ही uttered दैट देर वॉज नन टू हेल्प दैम, और उसने ये सोचा कि अब हम लोग की हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द वैली हैड अ सिंगल होप, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे उस वैली में उन सभी के मन में इकलौती एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद किस चीज़ थी, इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान हमारी मदद करेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो जितने भी उस वैली पर लोग रहते थे इंक्लूडिंग एन्चो, सभी भगवान में निष्ठा रखते थे, भरोसा रखते थे और सबको उम्मीद थी कि भगवान उनकी हेल्प जरूर करेंगे। एन्चो स्पोक दैट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। एन्चो कहता है, एन्चो ने कहा कि सब लोग ये बोलते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, मतलब भूखा कोई नहीं मरता, भगवान है सबकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट एन्चो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात
लेट करके लंचो यही सोचता रहा कि शायद भगवान हमारी मदद कर देंगे, क्योंकि लंचो के मन में कहीं ना कहीं होप थी कि भाई उसकी मदद भगवान करेंगे, ठीक है। ही बिलीव्ड द आइज ऑफ गॉड सी एवरीथिंग इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्शियस। उसको बिलीव था कि भगवान की आँखें सब देख सकती हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इवन भगवान वो भी देख सकता है जो इंसान के बहुत ज़्यादा अंदर मन की गहराइयों में कोई बात अगर छुपी हुई हो, कॉन्शियस में कोई बात हो, वो भी भगवान जानते हैं। ही वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, और भगवान किसी को भूखा मरने नहीं देते। तो इस तरीके से लंचो की जो ओनली होप थी वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए अगला जो है हमारा पॉइंट वो हम देख लेते हैं। अगली हेडिंग है लेटर टू गॉड। तो देखो जैसे कि ये चैप्टर का जो नेम है वही है अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर ये लंचो महाशय हैं जिन्होंने लेटर लिखा, और ये किसके लिए लिखा, गॉड के लिए लिखा। तो देखो लेटर टू गॉड लंचो ने लिखा, द फॉलोइंग संडे लंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ही रोट अ लेटर टू गॉड। ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो देखो अगले आने वाले संडे को लंचो ने क्या किया, लंचो गया पोस्ट ऑफिस और वहाँ पर उसने एक लेटर लिखा, लेटर टू गॉड, है ना। और उस लेटर में क्या लिखा यहाँ से आप देख सकते हैं, गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार जो है इस साल भूखे ही रह जाएंगे, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, 100 pesos की नीड है ताकि मैं अपने फील्ड को, अपने खेतों को फिर से बो सकूं, ठीक है। तो लंचो ने जो मतलब उसका वाकई में दुख था, दर्द था, वो अपने लेटर के थ्रू जो है वहाँ पर लंचो ने लिख करके भगवान को सेंड कर दिया और कहा कि मुझे फिर से अपनी फसल को सो करने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है, और ताकि मैं फिर से, जब तक अगली फसल नहीं आती ना तब तक मैं जिंदगी को फिर से जी सकूं, अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, इसलिए मुझे 100 pesos दे दो आप। द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और ये भी बताया लंचो ने कि हेल स्टॉर्म ने मतलब ओलो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, है ना। ही एड्रेस द लेटर टू गॉड, और उसने ये लेटर लिखा था गॉड के लिए। ही एफिक्स्ड अ स्टैंप ऑन द एनवेलप एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने स्टैंप लगाया उसके ऊपर, लेटर के ऊपर, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। सो इस तरीके से लंचो ने लिखा अपना लेटर टू गॉड। एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि लंचो ने लिखे थे टोटल 2 letters टू गॉड, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो था लंचो का, ये फर्स्ट लेटर था गॉड के लिए, ठीक है, पहला लेटर लिखा था लंचो ने, उसमें बताया था कि मुझे ये परेशानी है और मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से सो कर सकूं। अभी दोबारा भी लंचो लेटर लिखेगा तो पहले आप ये चीज़ समझ लो, लेटर टू गॉड लिख दिया, अब देखते हैं इसका जो है क्या रिस्पॉन्स आता है, और पहले तो ये देखते हैं कि इस लेटर को रिसीव कौन करता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा रिसीविंग द लेटर। अब भाई जब लेटर लिखा है लंचो ने, उसको मेल भी कर दिया, तो उसको कोई ना कोई रिसीव तो करेगा। अब किसने किया देखो लेटर को रिसीव, अ पोस्टमैन गॉट दिस लेटर एंड लाफ्ड हार्टली ऑन सीइंग द एड्रेस। तो एक पोस्टमैन ने लेटर को रिसीव किया और वो बहुत ज़ोर से हंसा जब उसने इस लेटर के ऊपर का एड्रेस देखा। उसने देखा भाई ये तो अ लेटर टू गॉड है, यानी इसका जो एड्रेस है वो तो गॉड के लिए है, ठीक है, अब गॉड के लिए हम लेटर कहाँ पर भेजें। तो वो बहुत ज़ोर से हंसा। ही शोड इट टू दी पोस्ट मास्टर, और इस पोस्टमैन ने इस लेटर को किसको दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। द पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी फ्रेंडली मैन, ऑन सीइंग द लेटर ही बिकेम सीरियस। जो पोस्ट मास्टर था ना, पोस्ट मास्टर वो काफ़ी फ्रेंडली इंसान था, हंसमुख भी था वो काफ़ी। उसने इस लेटर को देखा, लेकिन पहले तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा, उसके थोड़ी देर बाद ही जो पोस्ट मास्टर था वो सीरियस हो गया। सीरियस क्यों हुआ कि भाई भगवान के प्रति इतनी निष्ठा किसी इंसान में कैसे हो सकती है, है ना। तो वो कहीं ना कहीं लंचो के फेथ से वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ। He remarked about the writer's great faith in God. तो उसने कहा कि भाई वाह, क्या भरोसा है भगवान को लेकर के, क्या श्रद्धा है। In order not to shake the writer's faith, the postmaster decided to answer the letter. और देखो postmaster ने ये decide किया कि भाई ये जो इंसान है जिसने इस letter को लिखा है, इसकी भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे, इसलिए मैं इस letter का जो है answer करूँगा, अपनी तरफ से जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि जिसने लिखा है वो काफ़ी भरोसा रखता है भगवान में, ठीक है। चलिए ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी बट ही कुड नॉट गैदर द 100 pesos। आप देखो उसको पता था पोस्ट मास्टर को कि इसका आंसर मतलब इस लेटर का आंसर करने के लिए खाली शब्द ही नहीं लगेंगे,
पैसे भी लगेंगे, पेसोस भी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि लैंजो ने डिमांड की थी 100 पीसोस की, कि मुझे 100 पीसोस भेज दो। तो पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा दूं और जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, उनसे भी थोड़ी सी हेल्प लूं, है ना, एज अ डोनेशन के नाम पे। तो उसने खुद भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दिया और अपने एम्प्लॉयज़ से भी, अपने फ्रेंड से भी उसने थोड़ा सा इकट्ठा किया। ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑल्सो, बट ही कुड नॉट गैदर द 100 पीसोस। लेकिन बेचारा सारा कुछ मिला करके भी वो पूरे 100 पीसोस इकट्ठे नहीं कर पाया। इट वॉज अ लिटिल मोर देन यू नो हाफ, यानी वो आधे पैसों से थोड़े से ज़्यादा ही कर पाया, ठीक है। तो दैट मीन्स 100 पीसोस मांगे थे लंचो ने और पोस्ट मास्टर पूरे तो नहीं कर पाया। 100 पीसोस में से आधे होते हैं 50 पीसोस, तो 50 पीसोस से थोड़े से ज़्यादा ही वो कर पाया था। देखते हैं कितने कर रहे होंगे। इट वॉज अ लिटिल मोर देन हाफ, सो ही पुट द मनी इन एन एनवलप। इसलिए उसने उस मनी को, जो भी पैसे उसको इकट्ठा किए थे, उनको एनवलप में डाला एंड एड्रेस टू लंचो, और लंचो के एड्रेस पर भेज दिया। ही पुट अ सिग्नेचर, और देखो पोस्ट मास्टर ने यहाँ पर बाकायदा सिग्नेचर भी किए थे। सिग्नेचर किसके थे? गॉड के थे, कि भाई गॉड ने तुम्हें ये आंसर किया है, रिप्लाई दिया है तुम्हें ये, और पैसे भी दिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो किसने लेटर को रिसीव किया, पोस्टमास्टर ने, पोस्टमैन ने रिसीव किया था, बट उसका जो जवाब था ना वो पोस्टमास्टर ने दिया था, ठीक है। नाउ लेट सी लंचोज रिएक्शन, मतलब देखो लंचो को 100 पीसोस जो उसने मांगे थे उसका रिप्लाई मिला, उसको लेटर रिसीव हुआ, तो लंचो का रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या रहा। द नेक्स्ट संडे लंचो रीच द पोस्ट ऑफिस समवॉट अर्ली। अब देखो नेक्स्ट संडे को लंचो जो था थोड़ा सा अर्ली ही पहुंच गया। कहां पर पहुंचा वो पहुंचा पोस्ट ऑफिस, ये देखने के लिए कि मुझे क्या रिप्लाई मिला है। ही यू नो आस्क्ड फॉर हिज लेटर, उसने जो है अपने लेटर के बारे में पूछा, ठीक है। द पोस्टमैन गेव हिम द लेटर, तो पोस्टमैन ने उसको लेटर दे दिया कि भाई हाँ तुम्हारा लेटर आया है। द पोस्टमास्टर वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, तो पोस्टमास्टर दूर से बैठकर ही सब कुछ देख रहा था। लंचो वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो लंचो देखो ऐसे इसकी तरह थोड़ा कॉन्फिडेंट था, गुस्से में भी है वैसे, तो है ना, तो कॉन्फिडेंट था वो ऑफ गॉड्स हेल्प, कि भाई हाँ भगवान की तरफ से मुझे अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। तो लंचो को काफ़ी भरोसा था और कॉन्फिडेंस भी था। इमीडिएटली ही ओपन द लेटर एंड फाउंड द मनी, अब तुरंत ही उसने उस लेटर को ओपन किया और उसके अंदर से उसने मनी ली, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग लेस मनी, लेकिन जो लंचो था वो काफ़ी एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, लाइक हिम। तो गुस्सा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने पैसे देखे तो आई थिंक वो पूरे नहीं थे, कम थे। He remarked that God could not make such a mistake of sending him less money. और उसने ये भी रिमार्क किया फिर कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मुझे जो है कम पैसे भेजे, है ना। तो लंचो को इस बात को, जब उसने मनी को कलेक्ट किया, उसको देन उसको जो है काउंट किया, उसको काफ़ी गुस्सा आया कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि मुझे पूरे पैसे नहीं भेजें। तो लंचो का ये रिएक्शन था, उसको गुस्सा आया था। चलिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक्स। अब देखो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आप समझो, ये क्वेश्चन भी आपसे मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि लंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है ठगों की टोली, यानी ठगों का समूह, ठीक है, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ठगते हों, जो लोगों का बेवकूफ बनाते हों। तो पोस्ट ऑफिस के जो बेचारे एम्प्लॉयज थे, इन्होंने हेल्प तो की थी लंचो की, लेकिन लंचो ने इन्हें यू नो बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा वो हम देखते हैं। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर लास्ट हो जाना है। इमीडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो। अब देखो जैसे ही लंचो ने गुस्सा किया, पैसे मतलब पीसोस काउंट किए, गुस्सा किया, उसके बाद लंचो जो है वो विंडो की तरफ गया तुरंत। ही रोट अ लेटर, फिक्स्ड अ स्टैम्प एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने अब देखो यहाँ पर लंचो ने एक और लेटर लिखा, दिस वॉज द सेकेंड लेटर, ठीक है। तो ये दूसरा लेटर था जो लंचो ने लिखा था चैप्टर के लास्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेटर, फर्स्ट लेटर में लंचो ने क्या लिखा था और उसके बाद सेकेंड लेटर में क्या लिखा था, ये सेकेंड लेटर था। तो देखो जब गुस्सा आया लंचो को, इमीडिएटली जो है विंडो की तरफ वो गया, उसने एक लेटर लिखा, उसको स्टैम्प लगाया एंड उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट। अब जैसे ही लंचो उसको मेल करके निकल गया, तो पोस्ट मास्टर गया तुरंत और उसने उस लेटर को ओपन किया। ही रेड द लेटर, इट सैड। अब उसने लेटर को पढ़ा पोस्टमास्टर ने, और उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो यहां से आप देख सकते हैं यहां तक, गॉड ओनली 70 पीसोस हैव रीच्ड मी।
ठीक है, उसमें लिखा था कि गोल्ड केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। मतलब रेंचो ने कितने मांगे थे भाई, 100 पीसोस की डिमांड की थी उसने, डिमांड किया उसने, रिक्वेस्ट की थी 100 पीसोस की, लेकिन मतलब हाफ में से थोड़े से एक्स्ट्रा ही मिले थे उसको, दैट मीन्स उसको कितने मिले थे। अब यहाँ पर सेकंड लेटर में रेंचो ने बताया है कि ओनली 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं, 70 पीसोस ही उसने रिसीव किए है ना। सेंड द रेस्ट नॉट थ्रू द मेल। तो लेंचो ने कहा कि मुझे बाकी के जो पैसे हैं वो भेज देना, बट इस बार जो है मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है, मेल के थ्रू मत भेजना मुझे बचे हुए पैसोज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ना वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। यहाँ पर चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दैट मीन्स लेंचो ने कहा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे लेकिन उन्होंने 70 पीसोस भेजे। उन्होंने तो पूरे ही पीसोस भेजे होंगे, बट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी वो ठगों की टोली है, उन लोगों ने ना बीच में ही कुछ पीसोस का गमन कर लिया। सो इस तरीके से जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प की, बेचारा लेंचो एक तरीके से आप उसको इनोसेंट समझ लो या फिर जो भी है, उसने जो है उन्हीं एम्प्लॉयज को, उन्हीं पोस्ट, उसी पोस्ट मास्टर को, उन्हीं लोगों को मतलब ब्लेम कर दिया कि आप सब तो बस बंच ऑफ क्रूक्स हो। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर अभी तक आप बने हुए हैं मेरी वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए सो टेलीग्राम पर जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से लेकर के यू कैन मेक दी प्रॉपर नोट्स। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब जरूर से कर लें सो दैट आपके पास ऐसे ही वीडियोज पहुंचती रहे। अगर सिलेबस नहीं देखा है अपना लेटेस्ट न्यू सेशन का, तो मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है इंग्लिश का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपको स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।